सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। नववर्ष आपके जीवन में आपके सपनों को पूरा करने वाला हो, ऐसी मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। विद्यार्थी साथियों, आप देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं, बिहार के हो गए, उत्तर प्रदेश के, कई मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, उत्तराखंड के, मिजोरम, नागालैंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों से आते हैं। और अब ये शहर आपका अपना शहर है, इस शहर का जनप्रतिनिधि होने के नाते जी ओके, आपके राज्य के, आपके जिले के कई लोकसभा के सांसद मुझे संसद के अंदर मिलते हैं और पूछते हैं हमारे विद्यार्थियों का क्या हाल है। मैं कहता हूं कि कोटा में रहने वाले वो अलग अलग प्रदेश के हैं, लेकिन उन्हें अभी अपना कोटा अपना शहर लगता है। और जितने भी बच्चों से मैंने बात की, मेरी बेटियों से बात की, कई परिवार के परिवार लेकर यहां पर आए, उनसे बात की, उन सब ने कहा कि कोटा एक अच्छा शहर है जहां सब मिलकर अच्छी पढ़ाई करते हैं, अपना भविष्य बनाते हैं। और आप में से कई विद्यार्थी जो कोटा से पढ़कर निकले हैं, जो देश के अंदर और देश के बाहर भी जब मैं जाता हूं तो मुझे मिलते हैं, तो कहते हैं हमने कोटा में कोचिंग की थी। कोई आईआईटीएन है, कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई विदेश सेवा में सर्विस कर रहे हैं। पिछली बार लोकसभा के अंदर जब नए आईएएस बनकर आए थे तो मिले थे, उसमें से मुझे 5 नौजवान, जिसमें 2 बेटियां 2 3 बेटे ने कहा कि हमने कोटा में कोचिंग की, उसके बाद आईएएस की पढ़ाई करते थे। इसलिए मेरा आपसे इतना ही कहना है, मैं आपकी बीच में इसलिए आया हूं कि कोटा आपका है, आपके परिवार के कई सदस्य रहते हैं, कई नहीं रहते, लेकिन कोटा में रहने वाला हर परिवार आपका अपना परिवार है। आपका अपने परिवार की तरह वो सब आपको रखते हैं। मैं आपका बड़ा भाई भी हूं, पिता भी हूं, आप सब मेरे बेटे भाई बहन हो, बेटियां हो, इससे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कोटा में आप अपने लक्ष्य को लेकर जाएं, उसकी सफलता को प्राप्त करें। और इसके लिए जब कभी भी कोई आपको तकलीफ हो, परेशानी हो, कठिनाई हो, मन में असंतोष हो, किसी भी आपको कोई भी परेशानी हो, तो मैं आपके मेरे ऑफिस, कोटा ऑफिस के, दिल्ली ऑफिस के,
नंबर में आपको देकर जाऊंगा। आपको कभी कोई भी जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक अब्दुल कलाम की जी कहानी सुनोगे तो वह सेना में भर्ती होने गए थे, लेकिन सेना में पास नहीं हुए, देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने और राष्ट्रपति बने। ऐसे कितने ही लोग हैं जीवन के अंदर जिनके कितने उदाहरण मिलेंगे, जो जिस परीक्षा के लिए गए थे उसमें पास नहीं हुए लेकिन देश और दुनिया के बड़े आदमी बने। इसलिए आप में से ही दुनिया में बड़े लोग बनोगे, अवसाद चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। ये जिंदगी हमारी इसलिए संघर्ष करने के लिए, चुनौती देने के, परीक्षा करने, जिंदगी हारने के लिए एग्जाम देने नहीं आया आपको, कि जिंदगी देने के लिए एग्जाम देने आया हो। आपको हर पल हर क्षण खुशी से उत्साह से उमंग से पढ़ाई करते समय भी हमें लगना चाहिए कि हमें पढ़ाई करने में खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है। जितना आनंद आप अपनी पढ़ाई में लोगे, चाहे पास होंगे नहीं होंगे, लेकिन एक दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर पाओगे। इसलिए आप जब कोटा के बारे में देश के अंदर अलग अलग लोगों की चर्चाएं चलती है, लोग कई तरह की चर्चाएं हमसे करते हैं, अब आप इतने सारे विद्यार्थी बैठे हैं, कभी आपको कोई चिंता है कोटा में? नहीं सर। किसी तरह की चिंता है? और कोई भी चिंता हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी कठिनाई हो, जिंदगी की हर कठिनाई का विराम मेरे पास है, आप मुझसे आके मिलो, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं। अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो। आज नए वर्ष पर नए संकल्प के साथ, नए विश्वास के साथ, नए आत्मविश्वास के साथ कोटा में पढ़ने वाले हर विद्यार्थियों को अपना नया जीवन भी बनाना है और कोटा में पढ़कर कोटा का नाम भी आपको करना है। आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।